Hmm. गुड इवनिंग वेलकम बैक स्वागत है सभी का एक बार फिर से जे आई एन सी ई नर्सिंग पे तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास थोड़ा डिले था तो क्लास अभी आपका स्टार्ट हो चुका है और हम डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर लास्ट जो नोट से 2021 जो यस्टरडे आपने दिया था और इवनिंग सीट में जो पेपर हुआ था उसके एम के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्लास को जल्दी से आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस क्लास का बेनिफिट ले सके और आपको ये पता चले कि जो एमसीक्यू हमने पढ़े थे जो एडवांस में हमने एमसीक्यू पढ़े थे वही सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले थे जो हमने लास्ट वन ईयर में प्रिपरेशन करी थी जो ई नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे, जे नर्सिंग पे हमने जो कुछ पढ़ा था वो सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिला था और उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपको लास्ट एग्जाम में यस्टरडे देखने को मिला था लिंक को जल्दी से जल्दी मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के पास शेयर कर दे ताकि सभी को ये लिंक मिल जाए क्योंकि क्लास जो थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल एरर तो सभी को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है वो सारे इस क्लास से जुड़ जाए और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को तो स्टार्ट करते हैं आज के थोट ऑफ डे के साथ में तो थोट है आज का जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है बिल्कुल सही बात है ये आपकी जो जिंदगी है उसको आसान नहीं बनाना है आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है अपने आप को मजबूत बनाना है जिंदगी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी अगर आप जिंदगी को इजी बनाने के लिए जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा बट आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए अपने आप को मजबूत बनाए तो आपकी जिंदगी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ईजी हो जाएगी तो आप लिंक को शेयर कर दे सभी के पास ताकि सारे के सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्लास से जुड़ जाए और सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिले और उनको पता चले कि क्या रॉन्ग क्या राइट है और उनको ये भी पता चले कि कैसे कैसे एमसीक्यू जो हमने यहाँ पढ़े थे प्लेटफॉर्म पे वो के वो सेम टू सेम एमसीक्यू आपको पूछे गए थे तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहला एमसीक्यू जो आप देख सकते हैं हमने पढ़ा था जब मैंने आपको एंडोट्रिकल ट्यूब के बारे में पढ़ाया था इी ट्यूब के बारे में पढ़ाया था तो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा था

और इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल थे उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर था ये देख सकते हैं आप एज इन ईयर डिवाइड बाय फोर प्लस फोर पॉइंट ये आपको एग्जाम में मिला था ये जो सिंबल दिया हुआ डिवाइड का है तो ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में था और यही हमने यहाँ पे भी पढ़ा था फोर और फोर लगभग लग लग इक्वल है बराबर है तो अगर फोर नहीं है तो आंसर फोर पॉइंट फोर जो दिया हुआ वही करेक्ट होगा बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो हमने पढ़े थे वही देखने को मिले थे और वही सारे एमसीक्यू आपको नोट से 2021 में मिले थे और उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले नोट से 2021 के लिए भी आपकी प्रिपरेशन जो है जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो अब नोट से 2022 की प्रिपरेशन के लिए लगे हैं उन सब के लिए भी यही क्वालिटी यही एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा और उनके पास मौका है अभी भी टाइम है बहुत सारा टाइम है तो वो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और आने वाले जो नेक्स जो नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर आपका नोट से 2022 का एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल आपका एग्जाम में पहला एमसीक्यू क्यू यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने पढ़ा था वही आपको हु देखने को मिला था यहाँ पे आप देखेंगे जो एमसीक्यू हमने पढ़े थे वही सारा एमसीक्यू है कोई ऐसा कॉपी पेस्ट वाला नहीं है ऐसा नहीं कोई कॉपी पेस्ट करके हमने दिखा दिया या कुछ कहीं से फोटो उठा के इधर से चिपका दिया ऐसा कुछ नहीं आप देख सकते हैं एजुकेटर आपके सामने है मैं ही हूं यहाँ पे और यही हमने पढ़ा था और उसी के साथ आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिला था नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे जो आपको देखने को मिला था नेक्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ बात किया था बीपी हैंडल या इसका फुल फॉर्म भी बताया था बैल्ड पार्कर हैंडल और आप देख सकते हैं ये इमेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था और यही इमेज आपके एग्जाम में दिया हुआ था और पूछा गया था इस इमेज इस जो इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसका यूज क्या है आपसे यूज के बारे में पूछा गया था इस इमेज के यूज के बारे में तो हमने यहां लिखा था कंप्लीटली मैंने यहां मार्क भी किया था कि यूज टू होल्ड द सर्जिकल ब्लेड ड्यूरिंग सर्जरी सर्जरी के टाइम में सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं बीपी हैंडल तो यही बैड पार्कर हैंडल या बीपी हैंडल का क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कौन सा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज क्या है और आपके पास जो क्वेश्चन था यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन इन इमेज और इसका आंसर था टू होल्ड सर्जिकल ब्लेड सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करना है आपको उसके लिए आप इसको यूज करते हैं तो ये भी हमने यहाँ पढ़ा था और एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि बीपी हैंडल का यूज क्या है

बिल्कुल बिल्कुल आई आई रिमेम्बर एवरीथिंग लर्न फ्रॉम यू सर बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को ये चीजें याद रखनी थी एग्जाम तक मैंने यही बोला था आप लोगों को और बिल्कुल वही चीजें आई है जो हमने यहाँ पढ़ी थी मूव करते हैं आगे नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपको इमेज आपको मैंने दिखाया था और यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन किया था नेम ऑफ दिस इमेज दे दी स्पंज होल्डर और ये जे जोधपुर आप देख सकते हैं जे जोधपुर का लोगो यानी ये जेएनसी का ही इमेज है जे के डिजिटल प्लेटफॉर्म की ही क्लास है कई और की क्लास नहीं है ये आप देख सकते हैं जे एनसी प्लेटफॉर्म और यहाँ पे अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या है मैंने इसके बारे में इसका नाम स्पंज होल्डर और इसके के बारे में बताया था ड्यूरिंग सर्जरी हम इसको यूज करते हैं तो दिस इज आल्सो ये भी अपना ही क्वेश्चन था जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में पूछा गया था कि ये इमेज क्या है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस इमेज और आपका आंसर था दिस इज नोन एज द स्पंज होल्डर एग्जाम में आपसे पूछा गया था इसके बारे में कि ये क्या है इसका यूज पूछा था नहीं सॉरी इसका नेम पूछा गया था कि इंस्ट्रूमेंट क्या है तो आपका आंसर था दिस इज नोन एज द स्पंज होल्डर जो हम ड्यूरिंग सर्जरी पेंटिंग करने के लिए मॉप को होल्ड करने के लिए गोज को होल्ड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं तो ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था जब अपन ने पूरा डिटेल में लाइव क्लास पढ़ा था इज एज वेल एज जब एमसीक्यू बेच पढ़ा था और उसके साथ में जब अपन ने फुल कोर्स पढ़ा था वहां पे भी मैंने आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था बिल्कुल तो आप इस क्लास को सभी के पास शेयर कर दें ताकि सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस क्लास का फायदा ले सके उनको पता चले कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था बिल्कुल नेम पूछा था नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं

क्वेश्चन था इसी के बारे में पूछा था कि ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पे है इस इमेज को हम क्या बोलते हैं और आपका आंसर था दिस इज एज द ये सेम सेम टू इमेज और उसके साथ आपको मिले थे और यही क्वेश्चन पूछा गया था और आपको नाम देना था दिस इज नॉन एज द असेप्टो तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो हमने यहाँ पे देखा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट होगा जिन्होंने जेएनसी एनसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया था जो लोग पीछे रह गए थे जो लोग जेएनसी प्लेटफॉर्म पर लेट आए थे हो सकता है उनको थोड़ी निराशा मिली हो, पर उनके लिए भी हम अगली बार जो नोट से 2021 है, उनकी प्रिपरेशन के 2022 वाला नोट सेट उसकी प्रिपरेशन वो आज से ही स्टार्ट करेंगे जेएनसी प्लेटफॉर्म को आज से ही ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले ताकि आने वाले एग्जाम में आपके पास कोई भी निराशा का चांसेज नहीं रहे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं हमने पे बताया था आपको इनर सिंग के की, below. और हुआ सर्जरी के टाइम टोमी के अंदर ये ही आपको इमेज पूछा गया था कि ये इमेज क्या है और इसका आंसर था दिस इज दी थार डिटेक्टर होता है जो हम थायरोडक्टोमी के लिए यूज करते हैं बिल्कुल तो ये आपको पेपर तो पहले ही लीक हो गया था बिल्कुल बिल्कुल कविता कुमार बिल्कुल पेपर पहले लीक हो गया था आप लोगों को बस एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करनी थी क्योंकि पेपर तो हमने ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर लिया था सिर्फ वहां जाके आपको प्रैक्टिस करनी थी नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज सोन बिलो हो यहाँ पे आपका जो तो आंसर था इसका डिटेक्टर जो था दिस इज द करेक्ट आंसर था डिटेक्टर के लिए हम यूज करते हैं दिस इज यूर करेक्ट आंसर थारोड, जो थारोड को हम यूज करते हैं नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके पास अभी भी मौका है वो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लाइव बेस स्टार्ट होने वाला है ट्वेंटी एक्ट ऑफ नवंबर से आप लाइव बेस ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे पूरा डिटेल में हम पूरी स्टडी करेंगे टिल नोट से टू टू तक आपको उस कोर्स का एक्सेस मिलेगा तो आप पूरा कोर्स पूरी डिटेल आपको कुछ देर बाद अशोक सर बताएंगे वो कोर्स बाई कर सकते हैं ताकि अगले को अपना जो आपका नोटेंड ट्वेंटी टू होने वाला है उसमें अपनी जो पोस्ट है उसको सिक्योर कर सके जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था बिल्कुल कंफ्यूजन था पर सही हो गया बिल्कुल नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगला क्वेश्चन आया था मैंने यहाँ पे लिखाया था कि लास्ट डोज के बाद आपको लिथियम का लेवल कब असेस करना है और ऑप्शन भी लिखे थे ऑप्शन hour, थे थ्री आवर सिक्स आवर ट्वेल्व आवर्स और ट्वेंटी फोर आवर मैंने यहाँ क्लियरली आपको ये लिखाया था आप देख सकते हैं कि ट्वेल्व आवर्स के बाद में ट्वेल्व आवर्स के बाद में 12 आवर्स के बाद में आपको लिथियम का ब्लड लेवल चेक करना था तो आपका करेक्ट आंसर था सी 12 आवर्स लास्ट डोज के बाद आपको लिथियम का ब्लड लेवल चेक करना था बिल्कुल एक्सरे मॉर्निंग शिफ्ट में आया था एक्सरे जो था मॉर्निंग शिफ्ट में था और उसमें इंटेस्टाइन का परफोरेशन ऑब्स्टेक्शन वाली कंडीशन थी इंटेस्टाइनल ऑब्सटेक्शन या परफोरेशन वाला कंडीशन था तो जो भी ऑप्शन था उसमें क्शन वाली कंडीशन थी मॉर्निंग शिफ्ट में जो एक्सरे आया था इवनिंग में अगर एक्सरे आया तो वो इमेज हमने नहीं देखा अभी नेक्स्ट एमसीक्यू था यहाँ पे हमने नॉर्मल सेलाइन के बारे में में डिटेल पढ़ा था और इसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल सेलाइन की कंपोजिशन दिस इजोनिक्री जीरो मैंने किया था, 154, 154, और यही क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में कि सोडियम का लेवल कितना होता है आपके नॉर्मल सेलाइन में नॉर्मल सेलाइन में सोडियम का लेवल कितना होता है और वही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन था कि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन नॉर्मल सेलाइन नॉर्मल सेलाइन में सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वन थर्टी वन और 5 तो आंसर था 154 मिली पर लीटर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका जो इवनिंग बेच के अंदर जो पे आ, इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था कल जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज अभी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है क्वेश्चन रिलेटेड टू तो इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल तो ये आपको देखने को मिला था 154 मॉर्निंग के अंदर पूछा गया था आपके आरएल के अंदर

नेक्स्ट एमसीक्यू आपको, आपको पूछा गया था इस ड्रेन के बारे में ये भी आप देख सकते हैं टारगेट जो अपन ने टाइगर क्लास थर्ड लिया था उसी का क्वेश्चन हमने पढ़ा था ये ड्रेन मैंने आपको पढ़ाया था और इस ड्रेन का नाम था दिस इज जैक्सन प्रेड ड्रेन जेपी ड्रेन जो मॉर्निंग बेच में भी पूछा गया था एज वेल एज इवनिंग बेच दोनों में आपको पूछा गया था और इस जेपी ड्रेन का इमेज दोनों बेच में आया था तो आपका जो करेक्ट आंसर था दिस इज नोन एज द जेपी ड्रेन जैक्सन पे ड्रेन जेपी ड्रेन था जैक्सन प्लेट ड्रेन या जेपी ड्रेन का क्वेश्चन आया था तो इसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेन और आंसर था आपका जैक्सन जैक्सन हिमोवेक तो आपको आंसर देना था ए जेपी या जिसको हम जैक्सन प्लेट ड्रेन ये आपको इमेज देखने को मिला था नेक्स्ट आपको पूछा गया था अगला एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इंफेक्शन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे मोस्ट प्रिवेंटिव इंफेक्शन क्या था मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वे था इंफेक्शन को प्रिवेंट करने का वो क्या था और आप देख सकते हैं जब मैंने ये लिखाया था तो यहां मैंने लिखाया था कि द हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इनफेक्शन यहां पे अपन ने हैंड वॉशिंग जब पढ़ा था तो पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको कि हैंड वॉशिंग के टाइम में आपको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे होता है वो होता है आपका

नेक्स्ट एमसीक्यू आया था बच्चे के बारे में कि अगर एक बच्चे को चोकिंग हो गया है क्वेश्चन आया था मेजर यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर रिलीव चोकिंग बच्चे के अंदर अगर चोकिंग हो गया तो आप कौन सा मेजर यूज करेंगे बच्चे के अंदर अगर चोकिंग हो गया तो वहां पे आप कौन सा यूज करेंगे मोनिस पासवान थ्री करेक्ट नहीं होगा फोर जो आंसर था वही करेक्ट होगा एज डिवाइड बाई फोर प्लस फोर दैट इज द करेक्ट आंसर तो ये अपन ने पढ़ा था रिलीव चौकिंग चौकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था तो मैंने यह लिखा था इन एन एडल्ट एंड चाइल्ड एज मोर देन वन ईयर जो अपन ने बात किया था हेमलीच या जिसको अपन बोलते हैं एबडोम थ्रस्ट मेन्यूअर हेमलीच मेन्यूअर ऑप्शन में था तो इसका करेक्ट आंसर था हेमलीच मेन्यूअर जो अपन ने पढ़ाया था मैंने आपको क्लियरली कि बच्चा जिसकी एज वन ईयर या उससे ज्यादा और कोई भी एडल्ट पर्सन है तो वहां हम यूज करते हैं हेमलीच मेन्य So, आपका करेक्ट आंसर था ये भी कि हम लीच मेन्यूअल हम यहां पे चौकिंग वाले बच्चे में यूज़ करेंगे चोकिंग को रिलीव करने के लिए ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था और ये साइन भी बताया था चौकिंग का इस तरह से कुछ याद होगा आप लोगों को याद आया होगा बिल्कुल बिल्कुल आप ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं नेक्स्ट जो था कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट मैंने इंपोर्टेंटली आपको बहुत ही इंपोर्टेंट करके क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि ये इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है और हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आपको पूछा जाएगा इवनिंग के अंदर भी क्वेश्चन आया था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का और मॉर्निंग के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन था क्या नहीं होता है ऑप्शन थे इसमें की विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट तो साइन इन साइन आउट टाइम इन और टाइम आउट और आप देख सकते हैं ये अपन ने पढ़ा था साइन इन टाइम आउट साइन आउट तो टाइम इन जो है वो यहां पे नहीं था तो इसीलिए साइन इन साइन आउट टाइम इन एंड टाइम आउट तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट था डी टाइम इन जो होता है वो नहीं होता है इसलिए करेक्ट आंसर था डी यहां पे ये भी आपको पूछा गया था बिल्कुल तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर्जिकल सेफ्टी में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है उसके बारे में तो आपका आंसर था टाइम इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हमने यहाँ डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था इवन इमेज भी मैंने पूरा दिख, दिखाया था आपको यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आया था आपके बैंडेजिंग के बारे में ये बैंडेजिंग आप देख सकते हैं मैंने आपको क्लियरली बैंडेज बताई थी और क्वेश्चन पूछा गया था डेज इज यूज इज ज्वाइंट फ्रैक्चर अगर आपकी बॉडी पे ज्वाइंट फ्रैक्चर होता है तो आप कौन सा बेंडेज यूज करेंगे और इसका करेक्ट आंसर था फिगर ऑफ एट अगर ज्वाइंट फ्रैक्चर ज्वाइंट में अगर फ्रैक्चर होता है तो इस पर आपसे पूछा गया था कि ज्वाइंट फ्रैक्चर होता है तो आप कौन से टाइप की बैंडेजिंग यूज करेंगे और आपका आंसर था फिगर ऑफ एट बेंडेज ज्वाइंट वाले में फ्रैक्चर है तो आप आंसर देंगे कि फिगर ऑफ एट बैंडेज जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं जॉइंट में कहीं भी फ्रैक्चर होता है ये भी आपको पूछा गया था बिल्कुल बिल्कुल सेकंड शिफ्ट में आया था बिल्कुल तो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहां ए फिगर ऑफ एट बैंडेज जो है वो हम यूज करते हैं जब भी पर्सन का ज्वाइंट फ्रैक्चर होता है वहां पे कोई भी बैंडेज आप अगर ज्वाइंट मतलब आप नी ज्वाइंट हो गया आपका एंकल ज्वाइंट हो गया एल्बो हो गया तो यहां पे हम यूज करेंगे फिगर ऑफ एट बैंडेज ताकि वो लंबे टाइम तक वहां सेक्यूर रह सके इसलिए करेक्ट आंसर था ए फिगर ऑफ एटेज इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द आईवी फ्रॉम ब्लड टू सेल ब्लड से सेल में ले जाने वाला कौन सा आईवी फ्लूड था तो ब्लड से सेल में ले जाने के लिए हमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है इसका करेक्ट आंसर था बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन और इसका आप देख सकते हैं जब मैंने ये आईवी फ्लूड पढ़ाए थे तब मैंने आपको यहाँ क्लियरली इसके बारे में पढ़ाया था हाइपोटोनिक के बारे में

क्लेविकल के लिए मैंने स्पाइका कास्ट आपको बताया था अलग से जो शोल्डर के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो था था एमसीक्यू आपको पूछा गया वुंड के बारे में एक के बारे बारे में में एक क्वेश्चन आया था कि जो हम एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं एब्डोमिनल बाइंडर का क्वेश्चन आया था कि एब्डोमिनल बाइंडर का पर्पज क्या होता है एब्डोमिनल बाइंडर का पर्पज क्या होता है तो एब्डोमिनल बाइंडर के बारे में मैंने यहां पे इस क्लास में आपको क्लियरली बताया था जब मैंने वुंड के बारे में आपको पढ़ाया था टिश्यू से ब्लड के बारे में मॉर्निंग के अंदर पूछा गया था बिल्कुल अगर सेल टू टिश्यू पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपरटोनिक और अगर ब्लड से टिश्यू के लिए पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोटोनिक बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ब्लड से टिश्यू में पूछा है तो हाइपोटोनिक और अगर सेल से ब्लड में पूछा है तो आपका आंसर होगा हाइपरटोनिक यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूज ऑफ बाइंडर ड्यूरिंग एबडोम सर्जरी इज ड्यूरिंग सर्जरी जो हम यूज करते हैं बाइंडर उन बाइंडर का क्या पर्पज होता है तो इसका आंसर था टू सपोर्ट एंड रिलीफ पेन पेशेंट के जो बाइंडर के बिल्कुल दो क्वेश्चन आए थे और आपका क्वेश्चन था कि बाइंडर का क्या पर्पज होता है तो मैंने बताया था जब ये वुंड और आपको मैं दिखा रहा था तो इस टाइम आपसे पूछा गया था हर्ष गुप्ता अरे ये क्लास जो है एमसीक्यू बेच चल रहा है यहाँ पे आप बार बार अगर कमेंट करेंगे जनरल कट कर ऑफ तो उससे आपको कट ऑफ पता नहीं चलेगा और हो सकता है आप ब्लॉक कर दे जाए इसलिए आप रिपीटेटिवली कमेंट ना करें जस्ट क्लास को वॉच करें लास्ट में सारी चीज आपको बताई जाएगी सो डोंट कमेंट अगेन एंड अगेन अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड आप ब्लॉक कर दे जाएंगे बार बार कमेंट ना करें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो सब चीजें आपको पता चलेगी लास्ट में अशोक सर सारा डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के बारे में तो यहां मैंने आपको लिखा था टीपीएन के बारे में आई थिंक का क्वेश्चन आया था टीपीएन क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि टीपीएन किस टाइप का फ्लूड है तो टीपीएन इज एन हाइपरटोनिक फ्लूड ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि टीपीएन कौन सा फ्लूड है तो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इज विच टाइप ऑफ फ्लूड तो आपका आंसर था दिस इज एन हाइपरटोनिक फ्लूड थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टीपीएन के बारे में और कौन सा फ्लूड है तो आपका आंसर उसमें होगा अगर हाइपरटोनिक पूछा तो है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते बाइंडर उसके अलावा आगे हम बात करेंगे और जो अगले रिमेनिंग जो अगले एमसीक्यू है वो सर आपसे डिस्कस करेंगे मैं अशोक सर को इनवाइट करूंगा जो आने वाले अगले एमसीक्यू और उसके साथ साथ में जो पूरा आपके लाइव एमसीक्यू बेच है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे सर कि कौन कौन से जो आपके कोर्सेज हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में कोर्स एग्जामी वन के लिए आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास चांस है यहाँ पे मैं अशोक सर को इन्वाइट करूंगा कि सर जो है अगले जो भी बेच है उनके बारे में एज वेल एज जो आने वाले नेक्स्ट एमसीक्यू उन सबके बारे में सर डिटेल में आपको बताएंगे तो थैंक यू इन्वाइट करूंगा मैं सर को हेलो एवरीवन एक बार फिर आप सभी का जे एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमस्कार आदाब वालेकुम कुमार सर का जबरदस्त हार्डवर्क हार्डवर्क का आउटपुट आपके सामने और सबसे खास बात मैं आपको बता दू बच्चों की जे आई डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट फ्री यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशन ऑफलाइन बैच जिन बच्चों ने जहां से भी सीखा है बहुत मदद उन बच्चों को बहुत सारे एमसीक्यू मिले इसी को कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन और इसी को कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल मैं आपको बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपका अपना नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग नर्सिंग प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी के सारे एमसीक्यू आपको पुट किया आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जेआईनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन देन एक्सेप्ट इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में पचास से साठ एम सी क्यू बनते हैं और ये सारे एमसीक्यू आपको नॉर्सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मिले आपको पता होगा कि नर्सिंग प्रायोरिटी में स्पेशल एमसीक्यू आपके साथ कंडक्ट किए गए थे वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला तो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या एमसीक्यू जो थे कल इवनिंग शिफ्ट में नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आपको मिले और आप यदि वहां पर होते तो कितना खूबसूरत होता आपका पेपर ये अगले नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उससे पहले जो बच्चे लगातार कल से क्वारी करेगी सर बैच ज्वाइन करना है बच्चों डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव बैच स्टार्ट करने जा रहा है और ये लाइव बैच है ये 28 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है बच्चों अट्ठाईस नवंबर को तीन बजे से ये बैच स्टार्ट होगा और ये लाइव बैच चलेगा जे आई एन सी जोधपुर के ऐप पे जे आई एन सी जोधपुर के ऐप पे लाइव बैच चलेगा और ये बैच क्लास होने के बाद ये क्लास आपके ऐप में ही सेव हो जाएगा और ये नेक्स्ट वन ईयर तक रहेगा बच्चों नॉर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए नॉर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सपने देखने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है और जिसका ड्यूरेशन सिक्स मंथ में कंप्लीट करवाने का होगा रोजाना दो टीचर टू टू आवर्स की क्लास लेंगे हर वीक टेस्ट होगा कंप्लीट नर्सिंग के साथ रीजनिंग और मैथ्स वो सब कुछ पढ़ेंगे जो 2022 को क्रैक करने में मदद करेगा बच्चों तो गोल्डन है बच्चों के लिए बैच को ज्वाइन करने के लिए पे पे फोन और पेटीएम कर सकते हैं या सीधा आप प्ले स्टोर में जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके मेल आईडी से लॉग इन करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बच्चों कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया है कुछ स्पेशल बेनिफिट जेएनसी के बच्चों को मिला है जिन्होंने जे का फुल कोर्स परचेज कर रखा था वैलिडिटी खत्म हो गई या जिन्होंने पेनड्राइव कोर्स परचेस कर रखा है यदि वो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें लाइव बैच ज्वाइन करना है तो उनको फीस देनी होगी फाइव थाउजेंड रुपीज उनको फीस देनी होगी फाइव थाउजेंड रुपीज या जे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आपने ले रखा है तो आपकी फीस होगी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये ऑफर जो है बच्चों याद रखना ये पच्चीस नवंबर तक है ये जो ऑफर है ये पच्चीस नवंबर तक है इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते ओके फाइन नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं कि आपके जे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किस तरीके के और क्वेश्चन आए एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों जो मेमोरी बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा हम उन मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन के बिहाब पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने डिलीवर कर सकते और हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस लैंग्वेज में कहीं रहे बट उस टॉपिक से उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिला 99 परसेंट हमने कोशिश की है कि एज इट इज ऑप्शन आपके सामने पुट करें बट जितना डाटा हमें मिला उसके बिहार आप जब एमसीक्यू देखोगे ना बच्चों आपका दिल खुश हो जाएगा कि वहां होता तो कितना शानदार मेरा पेपर जाता एक क्वेश्चन आया था था। में का का इमेज बेस MCQ था। ECG का इमेज पर दिया बता रहा है और इस ECG की इमेज को देख करके हमें पता लगाना था कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है तो ये आप कार्डियो में बहुत अच्छे से पढ़े इसके एमसीक्यू देखिए एक एमसीक्यू आया था इस क्वेश्चन में यह पूछा था फाइंड आउट करना यहां पर क्या था बच्चों पेशेंट के अपने हाथ के लेटल एस्पेक्ट पे यहां पर जैसा दिख रहा था आपका जो हाथ है उसके लेटल एस्पेक्ट पे यहां पर आती जैसा दिख रहा था और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चार ऑप्शन थे उसमें उसमें चार ऑप्शन थे ध्यान से देखेगा चार ऑप्शन थे टीनिया पीडिस टीनिया क्रूरिस एक ऑप्शन था टीनिया कैपिटिस एक था टीनिया कॉर्पोरिस

किस इस इंफेक्शन का हम बोले, टोज और फीट के बीच का दूसरा जॉक इच जिसको टीनिया बोलते हैं दिस इज रैश अक्र ग्रोइन ये यदि ग्रोइन एरिया में रैश होता है तो उसको जॉक इच बोलते हैं स्कैल्प रिंग टीनिया कैपिटिस को बोलते हैं स्कैल्प रिंग जो है हेड में डेवलप होता है और आपसे जो पूछा था बॉडी रिंग था टीनिया कॉर्पोरस जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है यह एमसीक्यू था कल के इवनिंग शिफ्ट का यह एमसीक्यू था कल के इवनिंग शिफ्ट का माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और जिन्होंने यहां पर लिखा चीनियर कॉर्पोर उसका आंसर सही था उसका आंसर सही था और जिन्होंने छोड़ा इट्स ओके डोंट वरी छोड़ दिया तो छोड़ दिया बट आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको मिलेंगे तो मेरे बच्चे इस आंसर को भी सही करके आएंगे ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट डे क्वेश्चन आया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई आपको बहुत अच्छे से मैं हमेशा बताता हूं e. ये आपके अकी सर दिख रहे हैं ये लिखा हुआ सीरिया लिखा हुआ 70 टू परसेंट और ये आपके अशोक सर की लैंग्वेज लिखी है मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में भी आता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन इसको कहते हैं कि एज इट इज एमसीक्यू

नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था बच्चों आपके हनु सर के द्वारा कंडक्ट की हुई क्लास का ये एमसीक्यू के द्वारा कंडक्ट की गई क्लास का ये एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हियर यू कैन सी क्वेश्चन था कि लोकिया सेवंथ डे आफ्टर डिलीवरी कौन सा लोकिया आता सेवंथ डे आफ्टर डिलीवरी कौन सा लोकिया आता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यह क्वेश्चन आपसे पूछा था क्वेश्चन आपसे पूछा था ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन आपके सामने पुट किए चारों ऑप्शन आपके सामने पुट किए यह क्वेश्चन था यहां पर सर ने बहुत अच्छे से आपको टीच किया बहुत अच्छे से आपको टीच किया ओके फाइन ध्यान से देखिएगा मैडम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स लोकिया सेवेंथ डे आफ्टर डिलीवरी आपको अच्छे से पता है लोकिया सिरोसा जो है ये इसका राइट right आंसर था ये इसका राइट right आंसर था बिल्कुल सही जिन बच्चों ने जे आई एन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिल से मेहनत की है चाहे एमसीक्यू बैच हो चाहे ऑफलाइन बैच हो फ्री एमसीक्यू सेशन क्यों ना हो उस बच्चे को इसका फायदा मिला है फायदा मिला है यू कैन सी नेक्स्ट देखिए देखिए मैंने उस इमेज को पुट किया बच्चों जहां आपको टीच किया है नॉर्सेट फ्री क्लास में और यहां पर बच्चों के कमेंट्स दिख रहे हैं यह बताना इसलिए उचित लगा मुझे क्योंकि आप प्राउडली कह सकते हो कि जो हमें जे आई में पढ़ाया वो नॉर्थ 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आपको मिला और इस भरोसे को और मजबूत किया जा सकता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जे सी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर से आया ये आपने एग्जाम दे करके महसूस किया होगा बच्चों जिन्होंने एग्जाम दिया है वो बेहतरीन जानते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक क्वेश्चन आया था बच्चों आपके कोविशील्ड वैक्सीन का एमसीक्यू आया था कोविशील्ड वैक्सीन का एमसीक्यू ऐसे था कि यदि किसी पर्सन को, को, कि को पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगाए और उस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव प्रीवियसली हुआ है तो दोबारा वैक्सीन नहीं लगाते वैक्सीन लगाने से पहले हम पेशेंट का पता करेंगे कि पिछली वैक्सीन से उसको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ पिछली वैक्सीन से उसको साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ माय लविंग माइलर नर्सिंग ऑफिसर और मैंने दोनों वैक्सीन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा दोनों वैक्सीन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा बच्चों इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेल्विक फ्लोर मसल इंक्लूड ध्यान से देखेगा ध्यान से देखिएगा लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फ्लोर मसल इंक्लूड ये क्वेश्चन था कल के इवनिंग शिफ्ट के नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी मसल था देन मसल था देन अगेन वन एक और मसल्स का नाम था बच्चों वहां पर जो मैंने मेंशन नहीं कर पाया और इसका राइट right आंसर था ऑल ऑफ दीज इसका राइट right आंसर था ऑल ऑफ दीज आप दो मसल्स पढ़ते एनी और कॉक्सीजियन दो मसल्स कॉमनली पड़ते हैं और आपको क्वेश्चन भी पूछा था पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है उसमें कौन कौन सी मसल्स आता है बिल्कुल बिल्कुल बच्चों आपको डांट खाने की आदत है ना डांट के बाद आप बहुत अच्छे चलते हो ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन और आता बच्चों मैंने यहां मेंशन किया है मॉर्निंग शिफ्ट में भी था इवनिंग शिफ्ट में भी था यह क्वेश्चन था बट वो सिक्सटीन गोज का जो कैनुला है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम यूज करते हैं आरटीएम हम यूज करते हैं उसका कलर कोड पूछा था और ब्लड ट्रांसफ्यूशन में कितना गॉज का कैनुला वो आपसे पूछा था 18 गॉज का और बच्चों देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ 2021 देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ सेट ट्वेंटी इसको कहते हैं प्रिडिक्शन इसको कहते हैं एक्सपीरियंस के बाद आप हर उस टॉपिक को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन कहां बन सकता है बच्चों को कहां पर फोकस करवाना है आपको याद होगा जब हम लोग ये टाइगर क्लास पढ़ रहे थे बच्चों मैंने बार बार आपके दिमाग में ये शब्द को स्ट्राइक किया था कि बच्चों ये नॉर्थ सेट 2021 में आ सकता है और आपने जब एग्जाम हॉल में बैठ के महसूस किया होगा वही ऑप्शन वही एमसीक्यू आपको सीधा नॉर्थ सेट ट्वेंटी मिला दिस इज द हार्डवर्क और ये सब बच्चों हार्डवर्क से पॉसिबल है मेहनत से पॉसिबल है जिन्होंने जी तोड़ के मेहनत की उनको रिजल्ट मिलना है जिसने ईमानदारी से मेहनत की उसको रिजल्ट मिलना है और मेहनत करने वाले कभी लाइफ में में फेल नहीं होते ये मैं हमेशा हर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि सिर्फ मेहनत करें दूसरों को बुराई करने में टाइम खराब ना करें किसी और की सक्सेस को देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ एक ही करना है कि व्हाट आई कैन डू मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं ये यदि आप सीख गए तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलने लगेगा और आप मेहनत करने लग जाओगे बच्चों ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों क्लियर मैंने मेंशन किया क्वेश्चन था बच्चों गोल्डन कलर ऑफ एम्योटिक इज जनरली सीन इन ये एमसीक्यू था बच्चों गोल्डन कलर ऑफ एम्योटिक फ्यूड सीन इन ऑप्शन था पोस्ट मेच्योरिटी आरच इन कॉम्पेक्टिबिलिटी फीटल डिस्ट्रेस और आई और आपके अकी सर के द्वारा ये बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया हुआ है ट एम्स ई एस लिखा हुआ देखिए बच्चों नॉर्थ सेट की वो क्लास जहां पर हमने पढ़ा था व्हाट कलर ऑफ मिकोनियम स्टेट एम्यूटिक फ्लू यहां मेंशन किया था कि गोल्डन कलर आर एच इन कॉम्पैक्टिबिलिटी में फाइंड आउट होता देखिए एज इट इज क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मैं हमेशा कहता हूं अभी कह रहा हूं बच्चों जो जितना पुराने टाइम से जेएनसी से जुड़ा हुआ बच्चा है वो उतना स्ट्रांग बना है

था ये नॉर्थ से ट्वेंटी ट्वेंटी वन का एमसीक्यू चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो मैक्सिमम इवनिंग में क्लियर किया बच्चों हो सकता मॉर्निंग में बट था कल के एग्जाम में था कल के एग्जाम में बच्चों ओके फाइन ओके फाइन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा अगेन आपके प्रिय हनु सर के द्वारा देखिए कहते हैं दूरदृष्टि ये टीचर पढ़ाते जैन सिंह बच्चों जो पहले से प्रेडिट कर लेते कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए यहां पर आपको जिका वायरस दिख रहा होगा यहां पर आपको जिका वायरस दिख रहा होगा क्वेश्चन था जिका वायरस स्प्रेड बाई बदमाश बच्चों जिका था एनाफेस मॉस्किटो था एडिज मॉस्किटो था कुलेक्स मॉस्किटो था और आपके अनुसार ने यहां पर क्लियर पढ़ा रखा है एडिज मॉस्किटो एडिज मॉस्किटो बच्चों ये एमसीक्यू ट ट्वेंटी ट्वेंटी के इवनिंग शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था नॉर्सेट ट्वेंटी ट्वेंटी के इवनिंग शिफ्ट क्वेश्चन पूछा कि ज़िका वायरस जो है किसके द्वारा स्प्रेड होता है किसके द्वारा स्प्रेड होता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन हियर यू कैन सी मैंने यहां मेंशन किया है और ये आपके अनुसार की क्लास का एमसीक्यू है नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का एमसीक्यू है इसी को कहते बच्चों जे आई एन सी जोधपुर दिस इज द वर्क दिस इज द हार्डवर्क ऑफ जे आई एन सी जोधपुर एक एक वो एमसीक्यू आपके सामने पुट और एमसीक्यू क्लास की स्लाइड के साथ ताकि आप महसूस कर सकें कि हमने जो पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा बिल्कुल सही किया क्योंकि आप पढ़ के गए थे बच्चों सुपर बिल्कुल सुपर ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट और और एक एमसीक्यू जो मैं हमेशा आपको कहता था ना देखिए मैंने हर एमसीक्यू से आपको रूबरू करवाया था बच्चों मैंने कहा था मैंने मैच द फॉलोइंग पूछेगा याद करना जो बच्चे क्लास अटेंड किए थे मैंने कहा ना मैच दो फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछेगा एम्स नॉर्थ सेन और पूछा आपसे और पूछा कहा से रूट्स पूछे थे बच्चों ये एमसीक्यू था मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट फर्स्ट में लिखा था बीसीजी वैक्सीन हिमोफिलस पेंटाउलेंट और लिखा था पोलियो साबिन और उसके सामने इन्होंने दे दिया सारे वैक्सीन का रूट आपको रूट को मैच करना था आपको रूट को मैच कर थैंक यू ममता आपको रूट को मैच करना था और आपके हनु ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे रूट को डिस्कस किया था आपके साथ ये नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन श्योर सिलेक्शन की सीएचएन का मास्टरमाइंड का मास्टर माइंड क्लास है मास्टर माइंड क्लास है बच्चों क्लियर उन्होंने पूछा और ये एमसीक्यू आया था आपके नॉर्थ सेट ट्वेंटी के इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट में और डेफिनेटली आपने करेक्ट किया होगा बच्चों यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन पूछा था तो सबको पता बीसीजी हम इंट्राडर्मल लगाते हैं तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो गया बी में हिमोफ्लस पूछा था हिमोप्लस आपको पता है बच्चों आप इंट्रामस्कुलर लगाते हो तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो गया Pentaland भी आप इंट्रामस्कुलर लगाते हो यहां पर आपका सी करेक्ट हो गया पोलियो ऑरल देते हो यहां पर डी करेक्ट हो गया इस तरीके से एमसीक्यू पूछा था से के इवनिंग शिफ्ट में यस नो बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही जिन्होंने जितना बेनिफिट लिया कल काफी कल से जो बच्चे हैं कॉल और मैसेज पे जबरदस्त अप्रिशिएट करें कि सर हमने दस दिन पहले ज्वाइन किया हमने बीस दिन पहले ज्वाइन किया हमने एक महीना पहले ज्वाइन किया और इतने कम टाइम में हमने बहुत कुछ अचीव किया तो मैंने उन बच्चों से एक ही बात कही थी कि जे एनसी उन टाइगर से पूछिएगा जो पिछले एक साल से ईमानदारी के साथ का ऑनलाइन कोर्स और यूट्यूब से दूर नहीं हटे और उनसे पूछिएगा कि उनका पेपर कैसा हुआ उनसे पूछिएगा कि जेएनसी ने जो पढ़ाया जेएनसी टीम ने जो पढ़ाया वो एग्जाम में कितना आया मैं हमेशा कहता हूं मुझे फेंकना नहीं आता है। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है बट मुझे मेरी मेहनत और जैन से परिवार की मेहनत साथ में आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि जब मेहनत करोगे सफलता मिलेगी और मेहनत करने के लिए तपना पड़ता है दस दस घंटे मेहनत करके नोट्स बनाने पड़ते हैं एक एक कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है और यह तभी पॉसिबल है जब आपके दिल में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जुनून हो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को सक्सेस होते देखने का वो रुतबा हो वो हंगर हो तो रात को भी नींद नहीं आएगी रात को भी नींद नहीं आएगी और आपने नोट किया होगा बच्चों पिछले दो से ढाई महीने में जिस कदर सिद्ध से आपके जे एनसी ने मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत आपने भी की रात दिन जग के आपने पढ़ा और आज आप मन से खुश हो आकाश आकाशोनी क्या बात है मेरा बच्चा डोनेटिंग वन जीरो वन रुपीज दिल से आज खुश हो क्योंकि आपकी मेहनत का आउटपुट आपको मिलने वाला है और मैंने आपके लिए नेक्स्ट टास्क क्रिएट कर दी आगे बताऊंगा आज कि हम नेक्स्ट टास्क में क्या करने वाले हैं मैं चैन से नींब बैठने दूंगा आप किसी एनर्जी को बनाए रखेंगे और हम आने वाले एग्जाम में और सिलेक्शन लेंगे बच्चों तो इसी इंपॉर्टेंट खुशखबरी को कैरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं देखिए बच्चों एग्जैक्टली लैंग्वेज मुझे नहीं मिला बट ये पता चला कि एवीसरेशन और डे पे दो एमसीक्यू पूछे गए थे यहां पर मैंने आपको अच्छे से एवीसरेशन का मीनिंग भी बताया था डे का मीनिंग भी बताया था दो एमसीक्यू आपके पूछा गया था मैंने कहा था बच्चों ये नॉर्थ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है इमेज पूछे ड्यूरेशन पूछे कंडीशन देख पूछा जा सकता है बट एवी सरेशन और डे दोनों पे एक एमसीक्यू इवनिंग शिफ्ट में पूछा था जिन बच्चों ने इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम अटेंड किया इसके अलावा इसके अलावा एक और आपके अनुसार का एमसीक्यू आकाश यादव अशोक यादव डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज थैंक यू अशोक विच वैक्सीन शुड नॉट स्टोर इन फ्रीजर देखिए कौन सा वैक्सीन जो है वो फ्रीजर में स्टोर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन था बच्चों बीसीजी ऑप्शन था मीजस था डीपीटी था और बच्चों था, था। so मीजस था मीजस जो है वो हम कभी भी स्टोर नहीं करेंगे बच्चों फ्रीजर में देखिए क्लियर पुट किया हुआ बच्चों वैक्सीन वैक्सीन लिखा हुआ देखिए मीजस मीजस जो है वो राइट आंसर था बहुत अच्छे से आपने पढ़ा बहुत अच्छे से आपने पढ़ा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का स्क्रीन पुट किया है ताकि आप प्राउडली कह सके मैंने साइड साइड में आपके कमेंट्स भी दिखाए हैं बच्चों आपने जो लगातार कमेंट्स पुट पुट किए किए वो भी मैंने यहां पर हैं क्योंकि यूट्यूब की वो क्लासेस ऑल इंडिया फ्री कंटेंट की वो क्लासेस आपको मिलने वाला है आपको मिलने वाला बच्चों ओके okay, देखिए नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों क्वेश्चन आपको था कि क्राउनिंग का मीनिंग क्या चार ऑप्शन थे उसमें और यहां पर क्राउनिंग का मीनिंग आपको आपके अनुसर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओबीसी मेगा क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड स्ट्रेच इन द वैल्युअल आउटलेट विदाउट एनी रिसेक्शन द हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन ओवर द कॉल्ड दैट इज अ क्राउनिंग उंड और ये इवनिंग शिफ्ट का एमसीक्यू ये इवनिंग शिफ्ट का एमसीक्यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर थैंक यू राहुल ये इमेज के साथ आपके सामने पुट किया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक और ओबीजी का एमसीक्यू आपके अनुसार के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था बच्चों क्वेश्चन था वेजाइनल ब्रीडिंग एंड एक्सटर्नल ओस इज ओपन आइडेंटिफाई द कंडीशन क्वेश्चन यह था कि वेजाइनल ब्रीडिंग एंड एक्सटर्नल जो ओस है इज ओपन ओपन ये कौन सी कंडीशन में होता है ये कौन सी कंडीशन में होता है इवनिंग शिफ्ट का एमसीक्यू और ऑप्शन में था था इनवाइटेबल था एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी और आपका आंसर था दैट इज इनवाइटेबल एबोर्शन इनवाइटेबल एबोर्शन बच्चों बहुत अच्छे से सर ने यहां पर पढ़ा रखा है इंटरनल ओस के साथ एक्सटर्नल ओस के साथ साथ विजाइनल ब्रीडिंग बच्चों और काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो मॉर्निंग और इवनिंग ऑलमोस्ट एक जैसे थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन था तो इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन आपके नॉर्थ से ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पूछे गए हैं ओके फाइन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था बच्चों मेरा जो हमेशा जोर देके मैं आपको बताता हूं कि हाइपो और हाइपर कैलीमिया ईसीजी चेंजेस आपसे पूछते मुकेश नोवा डोनेटिंग हमेशा बच्चों को कहता हूं कि एसीजी चेंजेस इन हाइपो केलिमिया और मैंने ऑप्शन आपको राइट right आंसर था एस टी डिफ्रेशन क्वेश्चन था फ्लैट और यहां पर आपको बहुत अच्छे से मैंने इमेज के साथ पढ़ाया इमेज के साथ पढ़ाया हुआ है और ये लिखा हुआ बच्चों फ्लैट और इनवर्टेड और प्रोमिनेंट यू वे एमसीक्यू इवनिंग शिफ्ट का देखिए मैं फिर से कह रहा हूं मैं फिर से कह रहा हूं हो सकता है कुछ क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के हो तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आपको पूछा आपने ही मुझे भेजा उसका मैंने आपको सही आंसर के साथ पुट करने की कोशिश की यदि जो बच्चों ने नहीं एग्जाम दिया उनके लिए सीखने का मौका है और उनको ये एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि आपका जे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है यह आप महसूस कर सकते हो यह आप महसूस कर सकते हो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फ्लैट टी वे का क्वेश्चन था और यह हाइपोकलीमिया के कल चेंजेस का था, था जो आप जे के नॉर्थ सेट की क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों नॉर्थ सेट की क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों ओके फाइन देखिए एक एक क्वेश्चन को अकेरी ऑन करें क्स एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहली बात आपको देखना है यहां लिखा हुआ है, है. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सुन लीजिएगा पूछा सुन लीजिएगा क्वेश्चन मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूशन पेशेंट एक्सपीरियंस कार्पोपेडल स्पाजम द नर्स अंडरस्टैंड पॉसिबल कॉज ऑफ दिस मतलब डेफिनेटली मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूशन आप करोगे तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा हाइपोकैल्सीमिया होगा तो, तो पेशेंट को टिटनी होगा और टिटनी होगा तो पेशेंट को स्पाजम होगा बदमाश बच्चों कार्पोपैडल स्पाजम होगा और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था ऑप्शन हाइपोकैलिमिया, हाइपो हाइपरकैलिमिया हाइपर कैलिमिया और हाइपर और ये आपका राइट आंसर था बदमाश बच्चों का यही आपका राइट right आंसर था बदमाश बच्चों का हाइपो केलसीम्या. मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि कैन हाइपोकैल्सिमियानी टिटनी कैन कैनकोसम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन का ये कॉम्प्लिकेशन है और क्वेश्चन आपके सामने मैंने पुट किया क्वेश्चन आपके सामने आपको पुट किया और यही आंसर आपको मिला बिल्कुल ये क्वेश्चन था कल के एग्जाम में यस बिल्कुल नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों टेस्ट डन टू असिस्ट वैक्सीन डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग फ्रीजिंग की वजह से यदि वैक्सीन आपकी डैमेज हो जाए तो कौन सा टेस्ट करते हैं फ्रीजिंग की वजह से आपकी कोई वैक्सीन डैमेज हो जाए तो कौन सा टेस्ट करते हैं टेस्ट, टेस्ट तो आपका ऑप्शन था शेक टेस्ट आपका ऑप्शन था देखिएगा बिल्कुल जिन्होंने ये शेक टेस्ट लिखा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट था

वेस्टोलेट, वेट डोसो गुटियल वेन्टोग्लूटियल और मिड एल्टुड इस तरफ देख सकते हैं आप मैंने कहा था इस आईएम की साइड पे कल क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में था बट यहां लिखा हुआ है डॉर्सो ग्लूटियल यहां लिखा हुआ है स्कैन स्कैनकॉस डी ऑफ द नर्व नीचे लिखा हुआ लॉन्गेस्ट नर्व ये एमसीक्यू आपके नॉर्थ सेट ट्वेंटी में पूछा ये एमसीक्यू आपके नॉर्थ सेट ट्वेंटी में पूछा था हियर यू कैन सी एवरीवन वन कौन साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर आपके सामने नॉर्थ सेट की क्लास दिख रही होगी नॉर्थसेट की क्लास दिख रही होगी इसमें लिखा हुआ है डॉर्सो ग्लूटियल मसल्स कैन कॉज

क्वेश्चन था नियोनेटल हाइपोथर्मिया इज इज अकॉर्डिंग टू द द बिलो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग कब कहेंगे देख लीजिएगा आप अपने अकी सर का एमसीक्यू लो बर्थ वेट बेबी लिखा साथ में नॉर्मल टेम्परेचर न्यूबोर्न का लिखा हुआ है और यदि आप कंसिडर करते हैं थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव से ज्यादा वी कैन से हाइपोथर्मिया यही ऑप्शन थे बच्चों यही ऑप्शन थे और आपका राइट आंसर बिलो थर्टी बड़ी बिलो थर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि बिलो थर्टी सिक्स वी कैन कंसिडर हाइपोथर्मिया अनुपा यादव शुक्रिया शुक्रिया माय डियर थैंक यू वेरी मच टू ट्रस्ट ऑन जे तो ये क्वेश्चन था कल के एग्जाम का ये एमसीक्यू था बच्चों कल के एग्जाम का 36.5 मैंने पढ़ाया था एग्जाम में 36 ऑप्शन था 36, 36 से कम होगा तो डेफिनेटली हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Next question को देखिएगा, बदमाश बच्चों के सामने नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम आपसे पूछा था और बिल्कुल सही आंसर मैंने पढ़ा रखा है 3.5 टू 5.5 हम नॉर्मल लेवल कहते हैं कुछ बुक्स में मैंने यहां गोला बना के बताया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट वन कंसिडर करते हैं और देखिए बच्चों नॉर्सेट की क्लास नॉर्सेट की क्लास और यहां पर किया नर्सिंग ऑफिस बहुत बढ़िया थैंक यू जोगेंद्र देखिए बच्चों मेहनत दिल से करते हैं उसका रिजल्ट आपके पास मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूं वादे करना और बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है सच में बच्चों के लिए त्याग से मेहनत करना उतना ही मुश्किल है आज लाखों बच्चे जेआईनसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। आपको बता दूं, फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट सेट की क्लास स्टार्ट हुई डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है और मुझे नहीं लगता इतने बच्चे सेट पे बैठे हुए ये है भरोसा जब आप इतना भरोसा करते हो तो बच्चों हमारी जवाबदारी डबल है हमें आपको वो सब कुछ देना होता है जो आपने उम्मीद किया है तो ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स में सब कुछ कंटेंट हम पुट करते हैं कंप्लीट थ्योरी विथ एम सी जब भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं यूट्यूब पे रोजाना आपसे मुलाकात करें कुछ आपको देके जाए और ये एक तरीका होता है किसी भी बच्चे को सिलेक्ट होने के लिए एक बार पूरा कोर्स पढ़ना होता है पूरा कोर्स के बाद में इस तरीके के एमसीक्यू आपको पढ़ने होते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है

मेरी वो आदत नहीं है बच्चों की आके बोल दो सब कुछ सो प्रतिशत जेएनसी से आया मैं तो कहता हूं जो से पढ़ा वो बच्चा बोले कि से से कितना आया मेरे कहने से कुछ नहीं होता जो बच्चा पढ़ा है जिन्होंने के पे क्लास आई थिंक वो बेहतर रिप्लाई कर सकता है ये है आपकी जे की खासियत ऐसे बहुत सारे लोग आके कहेंगे सब कुछ मेरे यहां से आया मैं ये कहूंगा आप कहिएगा कितना जे एन यहां से आया आपने पढ़ा है आप बेहतर जानते हो आप बेहतर जानते बच्चों तो मैंने कहा ना फेंकना नहीं आता बच्चों बड़ी-बड़ी नहीं आती इतना कहता हूं कि जो दूंगा सच दूंगा दूंगा सच ईमानदारी के साथ दूंगा। और आप प्राउडली यस मैं अशोक सर का स्टूडेंट हूं मैं जेनसी का स्टूडेंट हूं इस लायक आपको बना दूंगा इतना आपको भरोसा दिलाता हूं बच्चों नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले के द्वारा करते हैं ट कौन से फॉर्मूला के द्वारा करते हैं हियर यू कैन सी यहां पर जॉनसन फॉर्मूला था बिशअप फॉर्मूला था नेगलिस था और मैक रॉबर्ट्स फॉर्मूला था और आपके अनुसार ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपको पढ़ाया दैट इज फॉर्मूला और ये आंसर आपको सही लिखा जिन्होंने ये आंसर सही लिखा उनका आंसर बिल्कुल राइट था हाँ बिल्कुल बच्चों जैसे आप लिख रहे हो हंड्रेड परसेंट एटी परसेंट ये सच्चाई है मेरे कहने से नहीं होता जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे पूछिएगा जिन्होंने पेपर अटेंड किया वो आपको बताएंगे वो आपको सच्चाई बताएंगे कि क्या पढ़ा जे एनसी से क्या एग्जाम में आया इसको बोलते हैं टू हार्टेड टू हार्टेड बच्चों ओके okay, इसके अलावा देखिए मैंने एक एक उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके सामने पुट किया नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट आपके अकी सर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए आप कम से कम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया गया इंपॉर्टेंट स्लाइड देखिएगा जहां आपको पढ़ाने वाले टीचर्स की इमेज और टाइम दिख रहा होगा

और ये एग्जेक्टली हंड्रेड परसेंट प्रूव करता है कि जे एनसी इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों है और ये एमसीक्यू पूछा और ये आंसर आपके पास आप अच्छे से पढ़ के गए थे आप अच्छे से पढ़ के गए थे माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बहुत बढ़िया सुपर ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके अनुसार का सीएचएन का इंपॉर्टेंस एमसीक्यू क्या लिखा है सी स्पेशल डेमोग्राफी सेंसस गवर्नमेंट सप्लाई।, सप्लाई में डैंपा का नाम क्या है ऑप्शन में है? था सहेली ऑप्शन में अंतरा था ऑप्शन में छाया था और टुडे था और आपके सामने ये इमेज देख के आप बता सकते हो कि डैम्पा जो है उसको गवर्नमेंट सेटअप में क्या बोलते हैं तो आपको आंसर लिखना है अंतरा बच्चों बिल्कुल ये करेक्ट किया बिल्कुल सरस्वती और ये आपके अनुसर की क्लास का एमसीक्यू है बच्चों अनुसर की क्लास का एमसीक्यू है सर ने यहां पर इमेज भी पुट किया हुआ है इमेज भी पुट किया हुआ है और साथ में नीचे डिटेल भी दिख रहा होगा उनसाठ मिनट और चौवालीस सेकेंड भी एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था इस स्पेशल इस, इस क्लास के अंदर बच्चों डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी देखिए एक-एक क्वेश्चन और उसके साथ सबूत प्रूफ है बच्चों आप प्राउडली कह सकते हो कि आपका जेएनसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है आपने यूपी यूपीपीएससी के एग्जाम के बाद महसूस किया नॉर्थ सेट 2021 के बाद महसूस किया और मैं आपको बताता हूं हर एग्जाम के बाद महसूस करोगे कि जो पढ़ा वो एग्जाम में आया जो पढ़ा वो एग्जाम आया ये हार्ड है बच्चों ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डेपा था आपके अनुसार का बड़ा क्लियर पढ़ाया हुआ सर का क्वेश्चन था कि डेम्पा जो है इंजेक्शन थ्री मंथ सिक्स मंथ टू ईयर और आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ एवरी थ्री मंथ एवरी थ्री मंथ ये एमसीक्यू देखिएगा बच्चों एवरी थ्री मंथ वन फिफ्टी एम जी और नर्स सेट की इंपोर्टेंट क्लास का एमसीक्यू आपको पूछा था कल आपको पूछा था कल देखिए जब आप देखोगे महसूस करोगे जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के जेएनसी जोधपुर का ये स्लाइड और जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब का ये चैनल और वहां पर ये पुट किया हुआ एमसीक्यू वहां पर ये पुट किया हुआ एमसीक्यू कि क्यू डेपा इज इंजेक्टेड इंजेक्टेड या इंजेक्शन इज टेकन एवरी थ्री मंथ एवरी थ्री मंथ समझ में आ रहा होगा बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों देखिए डेपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन बोलते हैं बच्चों डेपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोर इसका फुल फॉर्म है डेपो मेड्रोक्सी और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है और यही आपने पढ़ा था ये आपके आपके एग्जाम एग्जाम में में आया था। में आया था था ये मैं फिर से कह रहा हूं जो बच्चा जितना पुराना जे से जुड़ा है उसका रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग जाएगा क्योंकि यह रोजाना क्लास होती है हर एग्जाम से पहले टाइगर क्लास होती है और टाइगर क्लास में आप जैसे टाइगर शामिल होकर पढ़ते हैं फिर कहते सर वी डिड इट हमने कर दिखाया जो आपने कहा तो यही एक टीचर की बच्चों से उम्मीद होती है आप लगातार मेहनत ओके फाइन ये एमसीक्यू बच्चों कल के एग्जाम का मैं आपको बताना चाहता हूं ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने इमेज के साथ पुट करू नेक्स्ट एक क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ फ्लूड शिफ्ट वॉटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम कौन सा फ्रूट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में शिफ्ट होता है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपोटोनिक तो बच्चों हाइपरटोनिक था ये आई थिंक इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट में कहीं पर भी पूछा हुआ था विच टाइप ऑफ फ्रूट शिफ्ट वाटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम जो तो एडिमा को कम करने का काम करता है ये क्वेश्चन भी था और ये आपके कुमावत्सर आरसी कुमावत सर ने क्वेश्चन पढ़ाया था

अंडरस्टैंड करेक्ट प्लेसमेंट इन अ क्रंच वॉकिंग अंडरस्टैंड द करेक्ट प्लेसमेंट ऑप्शन था टू टू थ्री फिंगर बिलो द ये आपके का फोटो और ये राइट हैंड से लिखते हुए टू टू थ्री फिंगर और ये एल्बो बनाया गया है दो से तीन फिंगर लिखा हुआ है ये डिवाइस बनाया हुआ है इससे बेहतरीन डाटा क्या होगा बच्चों देखेगा इससे बेहतरीन डाटा क्या मिलेगा ये क्वेश्चन था इन ए क्रंच वॉकिंग अंडरस्टैंड द करेक्ट प्लेसमेंट लिखा हुआ टू टू थ्री फिंगर बिलो द बिलो दिस एक्सिला और ये आपके अकी सर के द्वारा ली गई क्लास का याद देखिएगा बच्चों नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ये आपके कमेंट्स जो आप क्लास में पुट करते हो ये वो कमेंट्स आपको क्लास में पुट करते हो और ये क्वेश्चन आपके नॉर्थ सेट में मिला इससे एक्यूरेसी क्या होगा बच्चों इससे एक्यूरेसी क्या होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर या टू टू थ्री फिंगर ये आपका एल्बो बना हुआ ये डिवाइस पुट किया है और ये आपके अकीसत को पढ़ाते हुए दिल को सुकून मिलता होगा बच्चों एग्जिट क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में इस तरीके से सेम टू सेम एज इट इज तभी तो कह रहा हूं तभी तो कह रहा हूं जिन्होंने पढ़ा जैन से डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्थ सेट उनसे दूर नहीं है उनसे दूर नहीं बच्चों यही क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको स्लाइड्स पूरा स्क्रीन शॉट लेके पुट किया है कि मेरे बच्चे कह सके कि यस वी आर जे आई वी आर ट्रू जे आई और ये तभी पॉसिबल हो गए बच्चों जब आपको भरोसा करके पढ़ना होगा जैन परिवार से जुड़ने के बाद दिन में एक ही जैन में बात होनी चाहिए जो करूंगा जे परिवार के साथ करूंगा बस उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा तपना पड़ेगा साथ चलना पड़ेगा सुबह शाम हार्डवर्क करना पड़ेगा फिर यदि कोई आपको रोके तो रोक सके पूछना है नॉर्थ सेट को पूछ कहां से पूछेगा सब कुछ आपको पता होगा बच्चों ओके फाइन नेक्स्ट देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन करते हैं उससे पहले बता देता हूं नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन जेएनसी कंप्लीट कोर्स से ही सार्वधिक क्वेश्चन आने पर विद्यार्थियों के लिए विशेष सौगात बच्चे कह रहे सर हमारे लिए क्या कर रहे हो इतने एमसीक्यू जेएनसी जे से आए तो कुछ स्पेशल करिएगा तो फाइनली आज सुबह डिसाइड किया कि बच्चों के लिए और बेनिफिट देंगे तो कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स जो है उसका प्राइस रिडक्शन करके फाइव ट्रिपल नाइन कर दिया गया बच्चों इस कोर्स की वैलिडिटी है वन ईयर का मतलब नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट नॉर्सेट नेक्स्ट जो नॉर्सेट आएगा 2022 तक इसकी वैलिडिटी होगी और ये कंप्लीट नर्सिंग के साथ बच्चों रीजनिंग है इसमें मैथ्स है और यूनिट टेस्ट में मतलब 4000 प्लस एमसीक्यू इसमें होंगे बच्चों और ये कोर्स लेने का सिंपल तरीका प्ले स्टोर पे जाए ना जे आई एन सी जोधपुर पे प्ले स्टोर पे जाएं से जोधपुर ऐप डाउनलोड करना मेल आईडी से लॉगिन करना इस कोर्स को आप सीधा परचेस कर सकते हैं या फिर बच्चों 96360 थ्री टू सिक्स नाइन वन पे फोन पे और पेटीएम करके पच्चीस नवंबर तक अवेलेबल बच्चों ये ऑफर जो है पच्चीस नवंबर तक अवेलेबल है आप इसका फायदा ले सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन एक और आपके अक्की सर का एमसीक्यू मैं बताता हूं कुमावत सर ने भी आपको एमसीक्यू बताया और सेम एमसीक्यू यहां पर हमने पढ़ा था कि फाइंड आउट फाइंड आउट का मतलब ये तो सिरिंज आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन यही था इवनिंग शिफ्ट का एमसीक्यू इवनिंग शिफ्ट का एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एसेप्टो सिरिंज विड ड्रो इंजेक्टिंग फ्लूड और क्लीनिंग है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था यही क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चों जो आपने नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी में देखा था एसेप्टो सीरीज एसेप्टो सीरीज माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी यह क्वेश्चन आया था बच्चों नॉर्थ सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के इवनिंग शिफ्ट में बिल्कुल यस yes, बिल्कुल एसेप्टो सीरेंज देखिए जब इस क्वेश्चन को देखे तो कितना प्राउड फील होगा कितना प्राउड फील रहा होगा बच्चों की जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में मिला इवन ऑप्शन भी वही मिला इमेज भी वही मिला इससे टू हार्ट्रेड हार्डवर्क हार्डवर्क क्या होगा बच्चों ओके फाइन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नेक्स्ट एक और एमसीक्यू आपके अकील सब के द्वारा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि न्यूमोथोरक्स चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट साइट मैंने कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट फोर में कि जब भी पेशेंट को न्यूमोथोरिक्स का मतलब जब पेशेंट को एयर को रिमूव करना होगा तो ट्यूब को इंसर्ट कहां करते हैं टू टू थ्री इंटरकोस्टल थर्ड टू फोर्थ इंटरकोस्टल फाइव टू सिक्स इंटरकोस्टल सेवन टू एट और यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ बच्चों सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल यहां पर आप देख सकते हो सेकेंड टू तो थर्ड इंटरकोस्टल यहां लिखा हुआ एयर और एयर के एक्मलेन को क्या बोलते हैं न्यूमोथोरिक्स एयर के एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं बोलते अब इससे बाहर क्या जाएगा बच्चों ये एमसीक्यू, ये आपकी वो यूट्यूब की क्लास ये पढ़ाता हुआ इमाम इमेज और ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू जो आपने एग्जाम में फुट फुट किया कि न्यूमोथोरिक्स में चेस्ट यू प्लेसमेंट करने में

एज इट इज ऑप्शन भी answer भी, option भी, answer भी Question क्या था पेशेंट तो का पल्स प्रेशर कितना होगा ये ऑप्शन आपके सामने था और आपके अकी सर ने नॉर्थ सेट की क्लास में यहां पर पढ़ाया और सीधा लिखा हुआ है कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक 120 ट्वेंटी माइनस एटी आंसर यहां पर 40 यहां फॉर्मूला देके समझाया यहां पर फिर से 40 लिखा हुआ और यही कल का एमसीक्यू है यही कल का एमसीक्यू है जब आपने आपनेट का एग्जाम दिया सर आपने Norset का एग्जाम दिया तो यही एमसीक्यू एमसीक्यू आपको आपको मिला यही वन ट्वेंटी बाई एटी पेशेंट का ब्लड प्रेशर है तो पल्स प्रेशर कितना होगा फॉर्मूला आपके सामने फॉर्मूला आपके सामने हाँ वन सिक्सटी बाई एटी होगा इट्स ओके वन सिक्सटी बाई एटी होगा बट तरीका तो आपको आता है ना बच्चों तरीका तो आपको आता है ना जब आपको तरीका पता होगा तरीका आपको पता है, तो आपके पास आंसर बिल्कुल आपके पास पास आंसर आंसर होगा, होगा, बिल्कुल ये आप अच्छे से पढ़ के गए बदमाश बच्चों बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है तो आंसर भी आपका सही मिला आंसर भी आपका सही मिला बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक और आपके डियरेस्ट अनुसर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि कॉपर की कॉपर्टी इंडिकेटेड Property जो है क्वेश्चन लिखा है कॉपर्टी जो है कॉन्ट्राइंडेटेड किसमें होता है ऑप्शन था विजाइनल ब्रीडिंग आपका करेक्ट आंसर था यह आपका अगेन डियर ने पढ़ा रखा एमसीक्यू कि कॉपर्टी किस कंडीशन में इंडिकेटेड होता है तो विजाइनल ब्रीडिंग में बच्चों इंडिकेटेड in, और मैं बता दूं बच्चों 950 प्लस फ्री क्लासेस जे आई एन सी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है इंडिया का कोई भी बच्चा वहां पर बेसिक क्लियर करके अपना सपना पूरा कर सकता है और हंड्रेड परसेंट बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो उसको ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना होगा पूरी थ्योरी एक बार पढ़ना होगा और वीकली टेस्ट उसको देना होगा तो उस बच्चे का अच्छा बेस बन जाएगा फिर वो ऑनलाइन पढ़ के अपने सपने को पूरा कर सकता है सपने को पूरा कर सकता है अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था बच्चों सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पोस्ट मेटल पीरियड पोस्ट नेटर पीरियड देखिएगा उसके लिए सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा था माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अगेन आपके अनुसार कॉपर टी मिनी पिल उसमें ऑप्शन था अंतरा था ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स केशव कुमार शुक्रिया बेटा शुक्रिया ये केशव जो एक्चुअली बीस साल का तजुर्बा है हजारों पेपर को देखा है लाखों बच्चों को पढ़ाया है हर पेपर पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एक टीचर के लिए सच में कुछ है तो उसका मेहनत तो उसका एक्सपीरियंस और सबसे खास बात आपके जो टीचर है वो ट्रू हार्टेड है ना दिखावा करना आता है ना फेंकना आता है ना बड़ी बड़ी बातें करना आता है उनका एक ही जिद है कि जो बच्चा हमसे जुड़ा है वो सेलेक्ट होना चाहिए JNC परिवार की एक ही जिद है जो बच्चा हमसे जुड़ा है वो सफल होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में बच्चा क्यों ना हो हम उसके साथ खड़े रहे। पर बच्चे को भरोसा करना पड़ेगा बच्चे को पेशेंस रखना पड़ेगा और जब दोनों का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो जीत भी अपनी होगी बच्चों जिद करके जुड़ना होगा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टी अवॉइड करते बिल्कुल सही आंसर इसके अलावा एक और एमसीक्यू अगेन आपके डियरस्ट अनुसर का फॉलोइंग कैन बी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनजीएस एक्सेप्ट एक वर्ड देखिए एक्सेप्ट आपका याद होगा बच्चों मैंने एक दिन प्रैक्टिस करवाई थी आपको एक्सेप्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज नर्स प्रायोरिटी सबसे मोस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन ये कोई नहीं सिखाता बच्चो और ये सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की कि कोई भी आपका वो पार्ट वीक ना हो कोई भी आपका पार्ट जो है वीक ना हो और मैंने क्लियर लिखा है फॉलोइंग कैन बी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनजीएस एक्सेप्ट पूछा है ऑप्शन आपके सामने स्लो रेस्प्रेशन, डिक्रीज देन पॉली यूरिया और क्लियर लिखा हुआ है यूरिन तो आउटपुट जो है वो एक्सिस लिखा हुआ है बच्चों और उसके अलावा सॉरी यूरिन आउटपुट जो एक्सीड मोर देन थर्टी लिखा हुआ है ये आपको क्लियर यहां पर मेंशन किया हुआ है तो आपका सही आंसर क्या होगा कैन नॉट से पॉलि यूरिया बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होगा होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा तो यहां पर पॉली यूरिया को कंसिडर किया पॉली यूरिया को कंसिडर किया बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा इन एक्टिवेट कोविड वैक्सीन इनएक्टिवेट कोविड वैक्सीन इज इनएक्टिवेट कोविड वैक्सीन इज पूछा है ऑप्शन में कोविशील्ड था मॉडर्ना था एमआरएनए था और कोवैक्सीन था और कोवैक्सीन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इनएक्टिवेटेड कोविड वैक्सीन और यहां लिखा, लिखा हुआ है देखिए यहां लिखा हुआ है इनएक्टिवेटेड सच वैक्सीन वी कैन से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दैट इज अ कोवैक्सीन दैट इज अ कोवैक्सीन बिल्कुल सोनू यादव शुक्रिया मैं एक एक इमेज के साथ पुट कर रहा हूं एक एक इमेज के साथ पुट कर रहा हूं ताकि जेएनसी में पढ़ने वाले हर बच्चे प्राउडली कह सकें कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे जेआईनसी परिवार से मैक्सिमम एमसीक्यू आए जो हमने पढ़ा और प्राउडली कहिएगा बच्चों क्योंकि आपने सच्चाई को देखा नेक्स्ट देखिएगा बुक्स का अवेलेबिलिटी है जेएनसी जोधपुर में तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कोशिश की थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाए जितना हार्डवर्क कर पाए एक एक वीडियो को देखना उस वीडियो में से उस क्वेश्चन को देखना फिर स्क्रीन करना फिर आपके सामने पुट करना क्योंकि सच्चाई को आप तक पहुंचाना जरूरी था कोशिश जारी रहेगी और कल सुबह कल सुबह से अगली जंग के लिए उतर रहे मैदान में हमने हमारा काम किया हमने हमारा काम किया अब एम्स को करना है क्या करेगा हमें दूसरी नई जंग के लिए तैयार होना होगा जीएमसी चंडीगढ़ एम्स पटना और दैट इज आपके हरियाणा के वैकेंसी के लिए कल सुबह आगाज करें सुबह ठीक साढ़े दस बजे हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट टास्क के साथ आने वाले तीन एग्जाम के लिए तो साथ दीजिएगा मेहनत करिएगा लगातार लगे रहेगा जितनी मेहनत की बच्चों इसको छोड़ना नहीं है कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है इसी मेहनत को बनाए रखना है आने वाले एग्जाम के लिए क्योंकि हमें सिलेक्शन पे सिलेक्शन लेना है इसलिए रुकना नहीं है झुकना नहीं है चलते रहना है मैं खड़ा हूं बच्चों आपके साथ आपको आगे लेके चलने के लिए पॉजिटिव रहके आगे बढ़िएगा खुश रहिएगा जल्दी मुलाकात करूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत